नमस्कार स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप टेन डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आज 25 मई है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे पहले प्रश्न पर चलने से पहले कल के वीडियो के अंत तो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि नेहरू प्राणी उद्यान सुर्खियों में रहा यह किस राज्य में स्थित तो है तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश बिहार तेलंगाना असम तो इसका आंसर होगा तेलंगाना तेलंगाना राज्य में स्थित है नेहरू प्राणी उद्यान जो कि अभी हाल ही में सुर्खियों में बना रहा क्योंकि यहाँ पर रखे गए जो एशियाई शेर हैं उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे तो तेलंगाना में कहाँ हैदराबाद में है यह नेहरू प्राणी उद्यान तो जिन लोगों ने भी तेलंगाना आंसर दिया है वह है बिल्कुल सही उत्तर दिया है तो इसी के साथ ही चलते हैं पहले प्रश्न पर तो आज का पहला प्रश्न है कि इटालियन ओपन 2021 का संबंध किस खेल से है टेबल टेनिस टेनिस फुटबॉल या बास्केटबॉल तो इसका आंसर होगा टेनिस टेनिस के साथ संबंध है इटैलियन ओपन 2021 खेल का तो अभी हाल ही में राफेल नडाल ने इटालियन ओपन 2021 खिताब जीता है रोम मास्टर्स का यह उनका दसवां खिताब है इसी के साथ ही देखें तो इटैलियन ओपन 2021 का आयोजन 16 मई 2021 को रोम में हुआ था इट फाइनल मुकाबला राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के साथ हुआ इसे रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है राफेल नडाल के विषय में देखें तो राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं कहाँ के स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं उन्हें एसोसिएशन ऑफ़ टेनिस प्रोफेशनल द्वारा दुनिया में तीसरा स्थान दिया गया है टेनिस खिलाड़ियों में उन्होंने अब तक बीस ग्रैंड स्लैम तेरह फ्रेंच ओपन खिताब जीते हैं क्ले कोर्ट में उनकी जीत का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रहा है इसी के साथ ही नोवाक जोकोविच के बारे में देखें तो नोवाक जोकोविच एक सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं है और वह वर्तमान में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल द्वारा नंबर एक स्थान पर हैं यानी कि टेनिस खिलाड़ियों में नोवाक जोकोविच प्रथम स्थान पर हैं उन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और एटीपी दौरे पर सभी बिग टाइटल जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं इटालियन ओपन की बात करें तो इसे मूल रूप से इतवी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप यानी कि इटालियन इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी कहा जाता है यह है रोम इटली में आयोजित एक टेनिस टूर्नामेंट है यह एक क्ले टेनिस टूर्नामेंट है टेनिस कोर्ट के चार अलग अलग प्रकारों की सतह होती हैं इसमें क्ले कोर्ट कारपेट कोर्ट हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट होते हैं तो ये ग्रैंड स्लैम से बिल्कुल अलग होते हैं ग्रैंड स्लैम कार्यक्रम में फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन बिवल्डन और यूएस ओपन शामिल होते हैं ये भी टेनिस से संबंधित पुरस्कार हैं इसी के साथ ही अगर चलें तो अगला प्रश्न है हमारा कि सिक्किम राज्य स्थापना कब मनाया जाता है सिक्किम का राज्य राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो चौदह मई सोलह मई बीस मई या तेईस मई तो इसका आंसर होगा सोलह मई को सोलह मई को प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है किसका सिक्किम का क्योंकि सिक्किम सोलह मई उन्नीस सौ पचहत्तर को भारतीय संघ में शामिल हुआ था और तब से हर साल सोलह मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है सिक्किम स्टेटहुड मनाया जाता है इसी प्रकार सिक्किम के विषय में थोड़ा देखें तो सिक्किम सौ प्रतिशत जैविक बनने वाला देश का पहला राज्य है और आज सिक्किम में सभी कृषि गतिविधियां जैसे कीटनाशक हैं या सिंथेटिक उर्वरक है खाद है फर्टिलाइज़र है उनका उपयोग के बिना किया जाता है यानी कि जो कीटनाशक हैं या जो फर्टिलाइज़र्स हैं जो रासायनिक फर्टिलाइज़र हैं या कहा है जाए केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनके बिना खेती की जाती है सिक्किम में तो हर सौ प्रतिशत जैविक कृषि करने वाला राज्य भारत का पहला कौन सा है सिक्किम है इसके साथ ही यहाँ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि विश्व धरोहर स्थल है सिक्किम में स्थित है और यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र भारत का ऐसा विश्व धरोहर स्थल है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों ही रूपों से वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में लिस्टेड है इसके अलावा अन्य जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं भारत में वो या तो सांस्कृतिक रूप से हैं या तो प्राकृतिक रूप से इसके साथ ही देखा जाए तो सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है और ये राज्य से बहने वाली प्रमुख नदी है तीस्ता की दो प्रमुख सहायक नदी है लोहनक और तालुंग तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में जाकर मिलती है इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 1950 से 50 में भारत सिक्किमी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे इसके साथ ही सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया था प्रोटेक्टरेट राज्य बन गया था यानी कि उसकी सुरक्षा करना भारत की जिम्मेदारी हो गई थी सिक्किम पर 1975 तक नामग्याल वंश के शासकों का शासन रहा इसको राज्य का दर्जा 1975 में जो दिया गया उसके पीछे कुछ ये कारण रहे कि 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारत से सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने की अपील की इसके बाद भारतीय सेना ने गंगटोक शहर को अपने नियंत्रण में लिया और चोंग्याल महल के रक्षकों को निशस्त्र कर दिया गया एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें सत्तानवे दशमलव पाँच प्रतिशत ने राजशाही को ख़त्म करके भारत में शामिल होने का समर्थन किया यानी कि सत्तानवे दशमलव पाँच प्रतिशत लोग ऐसे थे सिक्किम में जो चाहते थे कि वो भारत के साथ मिल जाए भारतीय संसद ने फिर इसके बाद पैंतीसवें संशोधन में कुछ शर्तें रखीं और जिसने सिक्किम को एक सहयोगी राज्य के रूप में बना दिया गया सिक्किम इस स्थिति को पाने वाला एकमात्र राज्य है यानी कि सहयोगी राज्य का दर्जा पाने वाला एकमात्र राज्य भारत में अब तक सिक्किम ही है इसके बाद छत्तीसवां संविधान संशोधन किया गया और जिस छत्तीसवें संविधान संशोधन ने उन्नीस में पैंतीसवें संशोधन को निरस्त कर दिया और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया तो हम सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद दो संसद को इस प्रकार इस बात की शक्ति देता है कि वह भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने के लिए कुछ शर्तों को निर्धारित कर सकता है इसी के साथ ही अगर हम मानचित्र पर सिक्किम की स्थिति देखें तो सिक्किम उत्तर पूर्व के आठ राज्यों में से एक है जिसमें सेवन सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय और असम आते हैं तो सिक्किम वहीं एक अलग राज्य है जो सेवन सिस्टर्स से अलग है लेकिन उत्तर पूर्व राज्यों में आठ राज्यों में से एक है तो सिक्किम जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भूटान के साथ नेपाल के साथ और चीन के साथ यानी कि तीन देशों के साथ सिक्किम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और दक्षिण में यह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है इसकी राजधानी क्या है गंग टोक है तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि वीटली अवार्ड वीटली अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने तो ऑप्शन है नुक्लू माइकल जोनाथन नियांग सोते अमृता पाठक तो इसका आंसर होगा न्यूक्ली न्यूक्लू फॉर्म न्यूक्लू फॉम वीटली अवार्ड जो कि ग्रीन और जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है तो 2021 में वीटली अवार्ड नागालैंड के न्यूक्ली फॉर्म को दिया गया न्यूक्ली फॉर्म ने यह पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार पाने वाले वह एकमात्र भारतीय हैं कौन न्यूक्लू फॉम तो इसी के साथ ही देखा जाए तो वीटली अवार्ड को वीटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है इसे जमीनी स्तर के संरक्षण नेताओं को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है विटली फंड फॉर नेचर उन्नीस में एडवर्ड विटली के द्वारा स्थापित किया गया था इसी के साथ ही अगर देखें तो न्यूक्लियु फॉर्म जैव विविधता शांति गलियारे का निर्माण कर रहे हैं जिसमें बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके इसके साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के अलावा न्यूक्लियो फॉर्म, फॉर्म स्वास्थ्य शिक्षा और सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस के लिए भी कार्यों का विस्तार करते रहे हैं इन्होंने लेमासा चैन लोक सोसाइटी की स्थापना की स्थापना की और इस सोसाइटी का उद्देश्य जो है अमूर फाल्कन्स के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक करने का है यानी अमूर फाल्कन क्या है कबूतर के आकार का एक बाज प्रजाति है तो न्यूक्लियो फॉर्म को नागालैंड में अमूर फाल्कन मैन कहा जाता है नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन कहा जाता है यानी कि अमूर फाल्कन मैन ऑफ नागालैंड के रूप में इनको जाना जाता है अमूर फाल्कन के बारे में देखें तो अमूर फाल्कन एक प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी चीन और साइबेरिया में प्रजनन करते हैं और सर्दियों के दौरान अमूर फाल्कन भारत में और फिर अरब सागर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका की ओर पलायन कर जाते हैं इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इसके लिए जो चिंता है वो ये है कि लोगों ने अमूर फाल्कन का शिकार करना शुरू कर दिया है और भारत में सालाना चौदह हज़ार से अधिक अमूर बाज का शिकार किया जाता है और राज्य सरकारों ने अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध तो लगा दिया है लेकिन इसके बावजूद अमूर बाज का शिकार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है इसे आयुसीन द्वारा कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो आयुसीन की रेड लिस्ट है नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है यानी नागालैंड को जो है फाल्कन बाज जो अमूर फाल्कन बाज है उनका कैपिटल कहा जाता है पूरे विश्व भर का कैपिटल यानी कि अमूर फाल्कन कहीं जाए इधर उधर नहीं जाते हैं वो नागालैंड में आकर रुकते हैं फिर वहाँ से ये पलायन करके अरब सागर होते हुए दक्षिण अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं यानी अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चले जाते हैं अमूर फाल्कन के आगमन पर नागालैंड में अमूर फाल्कन त्यौहार भी मनाया जाता है ये है न्यूक्ल्यूफॉर्म जी का चित्र महाशय न्यूक्ल्यूफॉर्म है ये जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में काम किया है और एकमात्र भारतीय जिन्हें वेटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह चित्र है फाल्कन का जो फाल्कन है आ, जो बाज का आकार का पक्षी है उसका यह है, चित्र है अमूर फाल्कन का इसी के साथ ही अगर देखा जाए इसके रास्ते को इसके इसका जो पाथ है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वो क्षेत्र है जो ब्रीडिंग साइट है इसका प्रजनन क्षेत्र है साइबेरिया और उत्तरी चीन वाला क्षेत्र है यहाँ पर यहाँ से यह आप ऑरेंज वाली लाइन देख रहे हैं यहाँ से नागालैंड तक आते हैं अब नागालैंड से आने के बाद यह किधर की तरफ चले जाते हैं अरब सागर को पार करके यहाँ अफ्रीका महाद्वीप तक जाते हैं इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वापस जब लौटते हैं तो वापसी लौटते समय भी आ ये आ नागालैंड में रुकते हैं फिर नागालैंड से ये अपना रास्ता बदलते हैं म्यांमार की तरफ जाते हैं म्यांमार से थाईलैंड वियतनाम होते हुए ये फिर अपने ब्रीडिंग साइट पर पहुँचते हैं तो इस तरीके से ये इनका रास्ता है ये प्रतिवर्ष इस तरीके के रास्ते को ये तय करते हैं और मणिपुर में भी ये रुकते हैं और मणिपुर अमूर फाल्कन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट भी है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ अमूर फाल्कन को ट्रैक करने के लिए उन पर ट्रैकिंग डिवाइसेस भी लगाई गई हैं कि इनके रास्तों को या इनकी जो गतिविधियां हैं उनको ठीक से पहचाना जा सके और इनका संरक्षण किया जा सके तो इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है कि नासा के अंतरिक्षयान ओसिरिस ओसी रैक्स का संबंध निम्न में से किससे है मंगल ग्रह शूद्र ग्रह बेन्नु शुक्र ग्रह या फोबोस उपग्रह से तो इसका आंसर होगा शूद्र ग्रह बेन्नु। इस अभी नासा के अंतरिक्ष यान ने ओसिरिस रैक्स ने, ने पृथ्वी के लिए दो साल की लंबी यात्रा शुरू कर दी है यानी कि नासा का जो अंतरिक्ष यान है ओसिरिस रैक्स उसने पृथ्वी पर वापस लौटने की यात्रा शुरू कर दी है और यह अंतरिक्ष यान दो में शूद्र ग्रह बिन्नू बेन्नू नाम का जो शूद्र ग्रह एस्ट्रॉयड है पर वो पहुंचा था और इस अंतरिक्ष यान ने इस शूद्र ग्रह के चारों और दो साल तक उड़ान भरी और कई नमूने भी इकट्ठे किए इस मिशन को शूद्र ग्रह बेन्नू का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था इस मिशन ने बेन्नू की सतह को मैप करने में पाँच साल व्यतीत किए हैं दो में वैज्ञानिकों ने ओसिरिस रैक्स को साठ किलोग्राम रेजोलिथ को लाने का निर्देश दिया था जो कि एक मिट्टी है कहाँ की वेन्नु और शूद्र ग्रह की तो इस मिश यह मिशन सौर प्रणाली की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करेगा इसके साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं कि हाल ही में यास नामक चक्रवात कहाँ आने की संभावना है अरब सागर बंगाल की खाड़ी जावा सागर या फारस की खाड़ी तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी अभी हमने अरब सागर अरब सागर में ताउते तूफान को देखा था अब हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आने वाला है जो जिसका नाम क्या है यास चक्रवात है तो अभी इस सप्ताह बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात साइक्लोन यास आएगा यह चक्रवात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हिस्सों को प्रभावित करेगा इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है किसके द्वारा किया गया ओमान के द्वारा किया गया है और ये एक प्रकार के वृक्ष से संबंधित है यह है। नाम तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यास चक्रवात 26 मई को ओडिसा पश्चिम ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है तो चक्रवात तो की अगर हम देखें चक्रवात बनते कहते हैं तो समुद्र में गर्म और नम हवा जब ऊपर उठती है और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ हवा उठती जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर की जगह अब वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस एरिया में इससे कम दबाव क्षेत्र वैसे कम दबाव क्षेत्र कहते हैं या हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र के चारों ओर दबाव इतना अधिक होता होता चला जाता है कि आसपास के क्षेत्र की जो हवा है वो कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर आती जाती हैं और अब जब यह हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है तो ये उसके चारों उस लो प्रेशर की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देती है यानी कि मध्य में क्या होता है कि लो प्रेशर क्रिएट होता है और इसके चारों तरफ हाई प्रेशर बना होता है यानी कि हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर से आने वाली पवने जो है वो किसकी तरफ आकर्षित होती है लो प्रेशर की तरफ आकर्षित होती है तो हमें एक बात और ध्यान में रखना है कि पवने किस प्रकार चलती हैं पवनों के चलने का जो प्रभाव होता है वो कुछ ऐसे होता है कि कहीं लो प्रेशर है तो कहीं हाई प्रेशर है तो पवने कैसे चलेंगी पवने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाहित होती है तीव्र गति से इसी के साथ ही अगर आगे देखें तो जैसे ही गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है वो ठंडी हो जाती है और बादलों के रूप में संघनित हो जाती है कंडेंस हो जाती है हवा और बादलों की पूरी जो प्रणाली है वो बहुत तेज से जब घूमती है और बढ़ती है और जैसे ही ये सिस्टम तेज़ी से और तेज़ी से घूमता है तो इसे केंद्र में इसके केंद्र में एक आँख बनती है जिसे लो प्रेशर के रूप में जाना जाता है जब सिस्टम तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है तो इसे उष्ण कटिबंधीय तूफ़ान कहा जाता है यानी ये उष्ण कटिबंधित ट्रॉपिकल जो तूफ़ान है उष्ण कटिबंधीय तूफान है उसे कब कहेंगे जब यह सिस्टम की गति तिरसठ किलोमीटर प्रति घंटे की हो और जब ये हवा की गति कितनी हो एक किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या तूफान कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या तूफान कहा जाता है तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो तूफान है या जो चक्रवात है उसकी स्थिति कुछ यहाँ पर इसी प्रकार से दिखाई देती है तो चक्रवात और तूफान आ, हम यहाँ पर कहते हैं किसे जो एक किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो जिसकी गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है इसके साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है 15 मई 18 मई 21 मई या बाईस मई तो इसका आंसर होगा 18 मई अट्ठारह मई को प्रतिवर्ष विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है इस दिन को एच यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस वैक्सीन अवेयरनेस डे भी कहा जाता है वर्ष 2021 में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस निम्नलिखित थीम से मनाया गया थीम क्या रखी गई वैश्विक एकजुटता ग्लोबल सोलिडिट्री इसकी थीम रखी गई है हर साल विश्व एड्स दिवस एक दिसंबर को मनाया जाता है इसकी शुरुआत जो है तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रस्ताव पर किया गया था इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जिओलाइट क्या है लोह धातु ऑक्सीजन उत्पादक वायुमंडलीय गैस या इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन उत्पादक तो जियो लाइट क्या है ऑक्सीजन उत्पादक है हाल ही में एयर इंडिया ने रोम से बेंगलुरु तक ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों में इस्तेमाल 35 टन जियोलाइट को एयरलिफ्ट किया था और जियोलाइट एलुमिनियो एल्यूमिनियो सिलिकेट खनिज है ये सूक्ष्म छिद्र युक्त पदार्थ है जिसका उपयोग अधिशोषक और उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है जियोलाइट का उपयोग प्रेशर स्विंग एब्जर्वेशन में सोखने के लिए पदार्थ के रूप में किया जाता है एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड जियोलाइट्स का उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सोखने के लिए करता है और फिर नाइट्रोजन को बाहर निकालता है इसके बाद मरीजों के उपयोग के लिए ऑक्सीजन गैस उसमें बच जाती है जिसका उपयोग मेडिकल के लिए किया जाता है तो उच्च दबाव में जियोलाइट्स का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है और इस प्रकार यह बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन को सोखने में सक्षम हो पाता है इसी के साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो ऑप्शंस हैं पंद्रह मई अट्ठारह मई सोलह मई या बाईस मई तो इसका आंसर होगा सोलह मई को हर साल सोलह मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है दो हज़ार इक्कीस में इस दिवस की जो थीम रखी गई वह रखी गई रूलर वूमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। तो महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में कृषि पर्यटन नीति पारित किया गया था इसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना है और किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करना है तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं है महत्वपूर्ण प्रश्न कि हाल ही में सुर्खियों में रही ब्लड मून की घटना संबंधित है किससे सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण से ज्वारीय लहरों से या ज्वालामुखी विस्फोट से तो इसका आंसर होगा चंद्र ग्रहण से तो चंद्र ग्रहण से इसका संबंध रहा है ब्लड मून की घटना तब होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है और इस दौरान चंद्रमा लाल या सुरख भूरे रंग का दिखाई देता है इसके साथ ही देखा जाए तो इस प्रकार इसे ब्लड मून कहा जाता है अगला ब्लड मून जो है अभी 26 मई 2021 को दिखाई देगा यानी कि कल हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा और इसमें भी ब्लड मून होगा यानी कि कहा जाए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा इसके साथ ही देखा जाए तो आखिरी ब्लड मून जो है बीस और इक्कीस जनवरी दो में देखा गया था अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से जो है चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्थिति है अभी की जो ये वर्तमान स्थिति बनी है ये वाली ये फुल एक्लिप्स ऑफ पेरिजी है यानी कहा जाए कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति है यहाँ पर कहीं सूर्य है और इस सूर्य का प्रकाश जब चंद्र पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी की परछाया चंद्रमा पर पड़ती है और जब चंद्रमा पर पड़ती है तो वो क्षेत्र हमें दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर लाल रंग का दिखाई देता है लाल रंग का क्यों दिखाई देता है क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सात रंग होते हैं और पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है और इस वायुमंडल से होकर जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो बाक़ी जो दूसरे रंग होते हैं जिनकी तरंग दैधर्या कम होती है वो परावर्तित हो जाता है इधर से उधर लेकिन लाल रंग की तरंग दैधर्या बहुत लम दीर्घ होती है दीर्घ तरंग दैधैर्य होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश में लाल रंग है वह पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके उसका प्रभाव किस पर दिखाई देता है चंद्रमा पर दिखाई देता है और जब चंद्रमा पर लाल रंग ही दिखाई देता है तो इसे ब्लड मून कहा जाता है तो इस प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल से निकलकर जो भी प्रकाश पहुंचता है किस पर चंद्रमा पर तो उसकी वजह से चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है और इसे ब्लड मून कहा जाता है और ये पूर्ण ग्रहण के समय दिखाई देता है ग्रहण हमेशा जो है पूर्णिमा को नहीं लगेगा और ना ही सूर्य ग्रहण जो है वो हमेशा किस पर लगेगा अमावस्या को लगेगा क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा चक्कर लगाता है उसका अक्ष एक निश्चित पथ पर होता है यानी कि चार डिग्री का लगभग डिफरेंस होता है जब ये चार डिग्री का डिफरेंस खत्म हो जाता है और जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर तो अगला प्रश्न है हमारा कि पूरे भारत में शकरकंद उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है पूरे भारत में सकरकंद उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो बिहार छत्तीसगढ़ ओडिशा या पश्चिम बंगाल तो इसका आंसर होगा ओडिशा ओडिशा राज्य को अभी देश भर में सकरकंद के उत्पादन में ओडिशा राज्य सबसे आगे है हाल ही में किसानों के एक समूह ने गर्मियों में बैंगनी सकरकंद की सफलतापूर्वक खेती की है जो सितंबर और मार्च में काटी जाने वाली सर्दियों की फसल है तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार बैंगनी सकरकंद के प्रति 100 ग्राम नब्बे मिलीग्राम की उच्च एंथोसाइनिन सामग्री होती है तो इस प्रकार हमने देखा कि दस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे हमारे आज के आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पहली बार एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया था तो ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त अरब अमीरात या श्रीलंका इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा जिन्होंने पिछली करंट अफेयर्स को की वीडियो को देखा है समझा है अच्छे से पढ़ जाना है नोट्स तैयार किए हैं तो वो इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे तो इस बात से ये पता चलता है कि जो भी अंत तक बने रहते हैं वो प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करते हैं जो आगे यूं ही बढ़ना चाहते हैं तो वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं या पीछे हटते हैं तो अगर आपने नहीं भी देखा है नहीं भी पढ़ा है तो एक बार प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करें क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जय हिंद